चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपसे एक स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जब बोर्ड एग्जाम में अगर अप्रिसिएशन लिखने आता है तो किस तरह से आपको लिखना चाहिए, क्या इजी तरीका होना चाहिए। और आज यहाँ पे मैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इस पोएम का मैं अप्रिसिएशन आपके साथ क्या शेयर क्या करने वाला हूँ। तो चलिए ये करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों शेयर जरूर करना और कमेंट एक प्यारा से जरूर कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए, ऐसे और कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले चीज, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। देखो, जब कभी भी हम अप्रिसिएशन लिखते हैं तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें जो एक एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कौन सी चीज ले गए, वह मैं यहाँ पे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो एग्जामिनर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपके अप्रिसिएशन में क्या होगा, टाइटल होगा, ठीक है। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि टाइटल के बाद जो पोएट होता है उसका नाम रहेगा, फिर राइमिंग स्कीम रहेगी, फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच रहेगा और थीम रहेगा। अब आपके पोएम के अप्रिसिएशन में बाकी सारी चीजें रहे या ना रहे, लेकिन ये जो पांच एलिमेंट्स मैं कह रहा हूँ, ये पांच एलिमेंट्स आपके होने ही चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, चीज आपको ये समझनी है कि जब आप लिख रहे हो तो देखो, ये टाइटल और पोएट आपके एक स्टांजा में आ जाएगा, ठीक है। राइम स्कीम और फिगर सिर्फ एक स्टांजा में आएगा और ये थीम एक एक एक, एक पैरा में आएगा। समझ में आ गया? ये तीन चीजें। तो इस तरीके से तीन पैराग्राफ का क्या बाइफर्केशन हमने यहाँ पे किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर, हमें अप्रिसिएशन लिखनी कैसे होती है? आइदर वी हैव टू राइट पॉइंट वाइज और या फिर हमें पैराग्राफ वाइज में लिखना है। देखो, यहाँ पे जो पूरा खेल है वो अलग अलग मीडियम्स का है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यू गाइज आर बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनको जो अप्रिसिएशन लिखना रहता है वो पैराग्राफ वाइज में लिखना रहता है। इसमें लिखना रहता है पैराग्राफ फॉर्मेट में क्या लिखना रहता है। और वहीं जो मेरे सेमी इंग्लिश मीडियम के दोस्त होंगे, मराठी मीडियम के दोस्त होंगे, हिंदी मीडियम के दोस्त होंगे, उनके लिए मैं बता दूं, आपको जो है आपको पैराग्राफ वाइज में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए शो क्या किया हुआ है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से लिखने क्या चीजें रहती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको पैराग्राफ वाइज क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। चीजें मैं आपके लिए और आसान बता रहा हूँ, आप आगे बनी रहिए, मैं आपको एक एक चीज और बता दूंगा। तो टाइटल और पोएट का काम मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा आपका। देखो, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको बहुत बड़ा आना चाहिए, बहुत कुछ आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, आपको लर्न करके जाना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें भी आपको पता है तो आप लिख सकते हो। देखा, सबसे पहली चीज जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उस एग्जाम के क्वेश्चन में आपको एक पोएम दी रहेगी, पोएम का नाम आपको मेंशन रहेगा, ठीक है, पोएट का नाम भी मेंशन रहेगा। मतलब ये हाफ मार्क्स और ये हाफ मार्क्स आपका फिक्स है, सॉरी हाँ, ये हाफ मार्क्स और ये हाफ मार्क्स आपका फिक्स हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से झंझट मारी नहीं करनी है, पोयम में ही दिया रहेगा। फिर राइम स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा कि राइम स्कीम बेसिकली ढूंढा कैसे जाता है, और फिगर ऑफ स्पीच और थीम की। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, लिखना कैसे, टाइटल पोएट राइम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच ये थीम, ये मैंने कुछ तरीका आपको दिया। अब लिखना कैसे होता है देखो, मैं बता दो। द पोयम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको इतनी चीजें मालूम है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये जो पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। अब आप क्या करो, एक लाइन या दो लाइन रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में लर्न कर लो। जैसे यहाँ पे मेरे पास है, देखो मैं बता रहा हूँ, पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इज अ प्रेयर टू द गॉड, ठीक है। ये क्या है, प्रेयर के फॉर्म में क्या किया है, गॉड को क्या दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं टैगोर के बारे में, हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिख सकते हैं, ही वॉज अ फेमस राइटर, ही वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल एज सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। तो एक लाइन आपको ये लर्न कर लेनी है। फिर उसके बाद राइम थीम क्या है, द राइम स्कीम इन द पोयम इज फ्री वर्ड्स। अब फ्री वर्ड्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम जो है पोयम में राइमिंग वर्ड नहीं आती है तो हम क्या लिखते हैं, फ्री वर्ड्स। तो आप क्या लिखोगे, पोयम टाइटल एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, एक लाइन आप रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में लिख दोगे। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा द पोयम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो देर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोयम, सो द पोयम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल। तो जब कभी भी आपकी राइमिंग स्कीम नहीं रहेगी तो आप क्या लिखोगे, पोयम फ्री वर्स स्टाइल में। तो यही लाइन, राइमिंग वर्ड नहीं है वो लिख दो पहले, द पोयम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो देर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोयम फॉर्म, सो द पोयम हैज रिटन इन द फॉर्म इन अ फ्री वर्स स्टाइल, क्लियर हो गया। अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मैंने ऑलरेडी कई बार बताया जब मैंने पढ़ा है,
फिगर ऑफ स्पीच जनरली होता क्या है, फिगर ऑफ स्पीच आपकी ऐसी एक ग्रामर है जो आपके सेंटेंसेस को ब्यूटीफुल बनाती है. तो वही लिखना है, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोयम बाय द पोएट टू एनहांस द सेंटेंस या फिर टू ब्यूटीफुल द टू मेक द सेंटेंस ब्यूटीफुल. जब फॉर एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, मेटाफोर और अलिटरेशन. अब यहाँ पे एक चीज समझना, समझ आपको ये है कि अब को अगर किसी भी इनमें से किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का अगर एक एग्जाम्पल मालूम है तो आप लिख सकते हो देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोयम बाय द पोएट फॉर एग्जाम्पल रेपिटेशन, मेटाफोर, अलिटरेशन. बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच इन द पोयम इज पर्सोनिफिकेशन. और उसका एग्जाम्पल लिख दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे where the saving arm stretches its arm, where the tireless saving stretches its arm towards the perfection. तो आप ऐसे लिख सकते हो. फिर लास्ट हमारा पैराग्राफ बनेगा, in the poem, Tagore addresses God as my father, ठीक है, and asks him to awaken his country into the heaven of freedom, where there is total freedom of good thoughts, good words and good actions. मतलब यहाँ पे जो poem है, poem में जो Tagore है, Tagore ने आपके गॉड को एज अ फादर क्या किया है, एड्रेस किया, और साथ ही साथ उससे प्रे कर रहे हैं कि वह उनकी कंट्री को कि हेवन ऑफ फ्रीडम लेके जाए, जहां पे टोटल फ्रीडम हो गुड थॉट्स की, गुड वर्ड्स की, गुड एक्शंस की, जहां पे वो अपनी कंट्री के लिए एक इच्छा मांग रहे हैं कि जहां पे लोग क्या है बिना डरे बिना घबराए क्या रह सके, और नॉलेज जो है पढ़ाई लिखाई जो है सबके लिए क्या फ्री हो. समझ में आ गया? तो ये चीज देखिए, यहाँ पे सेम चीज देखो क्या लिखा है. द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस रविंद्रनाथ टैगोर इज अ प्रेयर टू द गॉड, ठीक है. The poem is written in the free verse style without any rhyming scheme. मैंने वही लिखा, the poem does not contain any rhyming word, so there is no rhyming scheme in the poem. So the poet has written the poem in the free verse style. There are many figure of speech used in the poem such as repetition, metaphor, alliteration. ठीक है, जो important figure of speech आपके है वो क्या है, personification. और personification का example दे दिया और उसको explain कर दिया. और फिर last में मेरे जो central idea थी उस central idea को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ठीक है. तो इस तरीके से आपकी यह चीज जो होती है वह हम यहाँ पे क्या करते हैं. और अप्रिसिएशन मैं आपको बता दूं, अब आपके स्कूल में क्या बताया गया क्या नहीं बताया वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि अप्रिसिएशन लिखना कैसे होता है. देखो आपका जो अप्रिसिएशन है वो कितने मार्क्स के लिए, बस आपका जो अप्रिसिएशन है वो बस 5 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए. समझ में आ गया? तो आपको कोई 10 पेज 15 पेज नहीं लिखना, या फिर कोई 1 पेज पूरा नहीं लिखना. मैं आपको बता दूं आपको कितना लिखना है. आपको ज्यादा 10 से 15 लाइन ही लिखनी है, उससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है. और 10 से 15 ये फॉलो करो लिख दोगे. देखो 3 लाइन इसमें हो जाती है हमारी पहले वाले पैराग्राफ में, ठीक है. 4 लाइन हमारे, 4 से 5 लाइन हमारी इसमें हो जाती है. आपका 5 और 3 हो गए 8, और लास्ट वाले में 3 लाइन हो जाती है, ठीक है. ऐसी हो गए हमारे 10 से 11 लाइन हो गए. समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीज आपको लिखनी रहती है. आपको कोई पूरा पेज नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप पूरा पेज लिखो. समझ में आ गया? आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई. ऐसे और भी वीडियोज अगर आपको चीज है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होती तो भैया एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें. तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों. जय हिंद दोस्तों.